हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड अध्याय 11 और 12 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 13 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हमारे द्वारा जो की गई गलतियां हैं, जाने अनजाने में या जानबूझकर, मात्र इस कथा का श्रवण कर लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें अध्याय में क्या बताया गया है। दक्ष की 7 कन्याओं का विवाह, दक्ष और वरणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देववर से इसी समय बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्वत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें अवशासन देकर मैं फिर अपने आसन पर आ गया। तदांतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 7 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उनका सबका विवाह कर दिया। मुनेश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्या विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्या कश्यप मुनि के साथ दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कुशावास को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्ष या अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मछली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गद गद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारम्बार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वरणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सहित चिन्ह प्रकट हो गए था। उस अवस्था में वरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वरणी महामंगल रूपड़ी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वरणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ, जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बका का स्तवन किया और इस समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदिव्यान मान देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बिका को प्रकट हुई देख दक्ष ने तीनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जन्म माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता वरणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले
पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आसित हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैश स्वभाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। अशकिनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाघों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों के सता के प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तादान्तर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब प्रकार सब महान मंगलदायक तथा विशेषता समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वर्णी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमों गुण में उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारम्बार भगवान शिव की मूर्ति को चित्र करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब स्थागुण हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिवा का स्मरण किया करती। तो दोस्तों यहीं पर ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी हम शिव की और पार्वती जी की 14 अध्याय में पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 14वें अध्याय में बताया गया है कि सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना।